तो फाइनली दोस्तों पैन इंडियन सुपरस्टार प्रवास की मूवी आदि पुरुष को आज इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के सभी देशों में रिलीज कर दिया गया। और दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होते ही जो दोस्तों कारनामा कर दिखाया है वो दोस्तों शायद अब तक इंडियन हिस्ट्री की कोई मूवी ना कर सकी। दोस्तों इस मूवी ने बड़ी से बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। वहीं दोस्तों इस मूवी ने पठान मूवी जो साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग मूवी थी, सबसे ज़्यादा कमाई करने मूवी थी। वहीं दोस्तों इस मूवी ने पठान के रिकॉर्ड को 3 महीनों के अंदर ही तोड़ दिया है। तो बात करेंगे दोस्तों आदि पुरुष मूवी पहले दिन कितना कलेक्शन कर रही है, इस मूवी का बजट कितना, इस मूवी में कौन कौन स्टार कास्ट ने आए, इस मूवी के डायरेक्टर कौन। तो चलिए दोस्तों ये सब जानने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोगों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर प्रवास को आप इंडिया का सबसे बेहतरीन सुपरस्टार मानते हो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों आदि पुरुष एक रियल हिस्ट्रिकल मूवी है दोस्तों, इस मूवी को ज़्यादा से सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आदि पुरुष मूवी को ओम रावत के डायरेक्शन में बनाया गया है। वहीं दोस्तों इस मूवी को 500 करोड़ के बजट में बनाया गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा इस मूवी को कई द्वारा इस मूवी में काफ़ी चेंजिंग किया गया है, तो इस मूवी का बजट काफ़ी हाई फाई हो गया है। दोस्तों अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें, इस मूवी में प्रवास, सैफ अली खान, कृति सरन के साथ कई मल्टी स्टार कास्ट नजर आए थे। वहीं दोस्तों अगर इस मूवी के हम स्क्रीन और बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों इस मूवी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। वहीं दोस्तों इस मूवी को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया ओवरसीज पे। तो वहीं दोस्तों अगर इस मूवी के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात कर लें, इस मूवी को टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 10000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज होते ही इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी। अगर इस मूवी के दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों इस मूवी ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस के मात्र हिंदी लैंग्वेज में दोस्तों इस मूवी ने 40 करोड़ रुपये की ओपनिंग की है। वहीं दोस्तों इस मूवी ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इन लैंग्वेज में दोस्तों 65 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। वहीं दोस्तों इस मूवी ने टोटल पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। और अगर दोस्तों इस मूवी के पहले दिन के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 150 करोड़ से ज़्यादा रुपये की कमाई कर रही है। तो दोस्तों इस मूवी ने पठान के रिकॉर्ड को तो पहले ही तोड़ दिया है। और दोस्तों पठान मूवी ने जहाँ लाइफ टाइम दोस्तों 1000 करोड़ से ज़्यादा कमाई की थी, वहीं दोस्तों ये अभी माना जा रहा है ये मूवी लाइफ टाइम दोस्तों 1500 करोड़ से पहले रुकने वाली है नहीं। तो दोस्तों देखते हैं ये मूवी कितनी बड़ी फिल्मों की कलेक्शन को पीछे तोड़ती है। दोस्तों पठान, KGF, RRR, क्या दोस्तों ये मूवी बाहुबली 2 और दंगल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ पाएगी? तो दोस्तों कमेंट करके बताएं क्या ये मूवी किन किन मूवी के कलेक्शन को पीछे छोड़ेगी। तो दोस्तों ये मूवी की आज शुरुआत थी, नॉन हॉलीडे था। वहीं दोस्तों ये मूवी अभी आने वाले समय में दोस्तों शनिवार, सैटरडे, संडे को दोस्तों काफ़ी बड़ा धमाका करेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें अगर प्रभास को इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार मानते हो। और दोस्तों ये मूवी रियल हिस्ट्री का बढ़िया मूवी को जो सपोर्ट